के होते हैं क्रिस्टल। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री के मॉडल सेट टू का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल जो होते हैं ना, रवा को बोलते हैं क्रिस्टल इंग्लिश में। क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आयनिक, एक होता है मेटेलिक, एक होता है कोवेलेंट और एक होता है मोलिकुलर क्रिस्टल। चार क्रिस्टल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। H2O में किस प्रकार का अपबंद पाया जाता है? जो हाइड्रोजन H2O होता है, H2O में बताते हैं फोन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक फेराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो 1 फेराडे कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, तो 96,500 कूलम इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोध का प्रतिलोम क्या होता है? रेजिस्टेंस का जो होता है ना रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता, और चालकता का जो यूनिट होता है ना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा ओम का महो। अब क्या, प्रबल विद्युत अवघट में लैम्डा एम का मान होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ना, उसमें अगर हम उसको डायल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, तो उससे लैम्डा एन का मान क्या होता है? घटता है। तो तनु करने पर घटता है, तनु मतलब डायल्यूट करने पर क्या होता है? लैम्डा एम है ना, ये लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी हो तो क्या होता है? घटता है। किसका? विद्युत अवघट का। विद्युत अवघट में, किसी विद्युत अवघट में जो मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा एम को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी का जो मान होता है ना, डायल्यूट करने पर मतलब पतला करने पर क्या होता है? घटता है। रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो होता है उत्कर्मणीय है ना, और जो रासायनिक अधिशोषण जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? अनुत्कर्मणीय होता है। तो याद रखना, फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लोहे का मुख अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट। तो लोहे का जो ओड है मुख अयस्क क्या, वो हेमेटाइट। फिर नेक्स्ट क्या, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन विधि होता है ना, वो किसके लिए होता है? मैग्नेटिक पार्टिकल्स के लिए। तो मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय कण के लिए। सल्फाइड एस के लिए होता है फैन प्लवन विधि, फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड। कॉपर माटे में होता है, जो कॉपर मैट होता है ना, उस कॉपर मैट में कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 15th ग्रुप के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ होता है। तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बाकी ये सब दूसरे ग्रुप के तत्व हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस 15वें ग्रुप में होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? डी ब्लॉक के को दूसरे नाम से जाना जाता है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जाना जाता है डी ब्लॉक के तत्व को। जिंक है एक, जिंक क्या होता है ना, जिंक में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, और जिसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है उसको संक्रमण तत्व में नहीं रखा जाता है। तो ये संक्रमण तत्व होगा नहीं, लेंथेन नेट तो होता नहीं, और एस ब्लॉक भी नहीं होता है। तो ये कौन सा तत्व है? सामान्य तत्व होता है जिंक। Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। तो Mn3+ होता है ना, आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे Mn3+ का है ना, मैग्नीज का जो होता है, आप जब इसका निकालोगे तो ये हो जाता है आर्गन। इसका निकाल लोगे तो आर्गन 18 हो गया, और इधर हो जाएगा 4H2 और 3D5। अब इसमें से 3+ इतिहास निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4S0 3D4। ठीक है, तो ये क्या है? खाली डी कक्षक के कारण क्या होता है? ये ऑक्सीकारक होता है। इसमें डी ऑर्बिटल क्या है? खाली है, वैकेंट है, इसीलिए क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो डी ऑक्सीकारक होता है। याद रखना है K2ZnOH4 का IPC नेम। तो इसका नाम जो हो जाएगा K2 है, तो पोटेशियम क्या जाएगा? पोटेशियम चार बार हाइड्रोक्सी, कितने बार? चार बार है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब इसके बाद ये क्या, जिंकेट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक का क्या होता है, एक साथ लिखना है जिंकेट, क्या होगा? जिंकेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका हो जाएगा -4, इसका +2, इसका क्या +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिख देना है +2। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एल्किन में द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं, एल्किन में ये Br2 में मिलाया जाता है, तरल Br2 मिलाया जाता है। त्रिबिंब समावयवता जिसका आबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण और प्रतिबिंब को कहा जाता है। तो ये प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के लिए जो होता है वो होता है प्रतिबिंब रूपता।
क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, और ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, सनलाइट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है HNU प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनाता है COCl2 प्लस, यहाँ से क्या होता है एक HCl निकल जाएगा, COCl3 है ना, COCl2 प्लस एक हो जाए यहाँ से Cl, एक HCl यहाँ से निकल जाता है, ये बन जाता है। और इसको बोलते हैं, ये जो COCl2 इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस, या इसको बोलते हैं एक और नाम से होता है कार्बो नील क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन गैस। और ये पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला गैस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फॉस्जीन गैस। 18 में अल्कोहल और फिनॉल में बनने में एल्केन और एरिन का एक हाइड्रोजन विस्थापित हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? सिंपल से रीजन है, एल्केन में से जब एच हटेगा ओएच जुटेगा तभी अल्कोहल बनेगा, और एरिन जो होता है एरिन में से जब एच हटेगा और एच को हटा करके ओएच आएगा तभी फेनॉल बनेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करेगा? एल्कोहल। ग्लिसरॉल जो होता है ना वो होता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। आप ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ऐसे आप देखोगे तो CH2OH, CH OH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। एक होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और ये होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जो कि तीन बार एल्कोहल है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, बेंजीन में सिंपल सा अगर हाइड्रोक्सी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाता है ना, ये बेंजीन है, इसमें से हाइड्रोजन हटा करके ओएच लगा दो तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो ये अब इसका नाम लिखना है IUPAC नेम, तो इसका नाम लिखने के लिए आप एक नंबरिंग कर दो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, तो दो नंबर पे और सिक्स नंबर पे क्या मिथाइल है, तो इसको हम लिखेंगे 2, 6, 2 नंबर पे है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः कार्बन, तो यहाँ पे 6 नंबर पे है। पहला यहाँ से शुरू करते हैं, काउंटिंग यहाँ से करना है तो एक इसका नाम ऑप्शन जो है ना यहाँ पे यहाँ से गिनती करना है तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 पे है और 2 पे है, यहाँ पे 2 और 6 होता है, यहाँ पे 2, 5 लिखा है तो 2, 5 अब दो बार है, 2 पे भी है और 6 पे भी है, तो 2, 6 डाईमिथाइल फिनॉल होता, यहाँ पे 2, 5 लिख दिया है तो अब इसी को मानना पड़ेगा, 2, 6 होगा आंसर में, 2, 6 डाईमिथाइल। यहाँ से देखो 1, 2, 3 नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, तो यहाँ से नज़दीक का 3 से गिनती करेंगे तो इधर से भी करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 और 6 पे आ रहा है, 2 बार मिथाइल आ रहा है तो उसको लिखेंगे डाईमिथाइल फिनॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 2, 6 डाईमिथाइल फिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है, क्लोरोइथेन जो है अमोनिया से अभिक्रिया करके क्लोरोइथेन होता है ये C2H5Cl, ये क्लोरोइथेन है, जब ये अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, एक HCl जब निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ Cl निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे NH2 आकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5NH2, तो क्या बन गया? इथाइलामीन। क्या बन गया? इथाइलामीन, या इथाइलामीन या बोलो या इथेनामीन, इथेनामीन, तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनामीन। फिर नेक्स्ट क्या है, एमाइड LiLH4 से अपकृत होकर देता है, जब अपकृत होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, एमाइड में क्या होता है जैसे मान लो ये CONH2 है, मान लेते हैं एमाइड है और इसको कह रहा है कि LiAlH4 की इससे जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ से O निकल जाता है, और ये O निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है? RCS2H भी आ जाता है, CH2NH2 प्लस इधर हो जाएगा H2O, जो कि यहाँ पर H2 2H2 यहाँ से क्या करता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन को जुड़ाते हैं और ऑक्सीजन को हटाते हैं, तो यहाँ से H2 यहाँ आ जाएगा और एक H2O बाहर बन के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये एमीन बन जाता है, एल्काइल एमीन बोलो या एमीन बोलो, एल्काइल एमीन बनता है, एमाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्काइल एमीन, याद रख सकते हैं, एमाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्काइल एमीन बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? ये एल्किल एमीन या एल्काइल, जो बी नंबर था इसका। 24 नंबर में एसिडोलेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, है ना। CH3CDOLS को क्या बोलते हैं? इथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक अम्ल है, या इसी को मेथेनिक अम्ल भी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना होता है COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो 1, 2 है ना, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन से कहते हैं इथेन 1, 2, और दो नंबर पर एसिड है तो इथेन 1, 2 डाईओइक एसिड। अब चूंकि 1, 2 नहीं भी लिखेंगे चूंकि लगातार है, तो यहाँ पे इथेन 1, 2 डाईओइक एसिड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इथेन
वन टू नहीं भी लिखेंगे तो डाइओइक एसिड। मिथाइल नाइट्राइल का जो सूत्र होता है CH3CN होता है। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए जल में घुलनशील होता है। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। C12S12O11 क्या होता है सुक्रोज का, चीनी का सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड देता है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगो। मोनो जो होता है वो 1 से 2 सैकेराइड जो देता है उसको बोलते हैं। अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला तो COOH, अब दूसरा अमीनो है तो NH2 होगा, एसिड और अम्ल है तो अम्ल में COOH तो होगा ही और अमीनो है तो NH2 होगा, बस याद रख सकते हो आप इसे। अल्फा अमीनो अम्ल का पॉलीमर को कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। पॉलीथीन किसका मूलक होता है? इथीन का। इथीन से पॉलीथीन बनता है, इथीन मोनोमर है पॉलीथीन का। ठीक है, रबर स्टार सेलुलोज और प्रोटीन जो होता है ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रबर होते हैं, पॉलीमर होते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। ब्यूना एन और ब्यूना एस जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर होते हैं। ज्वर कम करने वाले को क्या बोलेंगे? ज्वर हाड़ी है ना, एंटीपायरेटिक होता है, ज्वर हाड़ी बोलते हैं इसको कम करने वाले को। सोलर सेल में उपयोग किए जाते हैं, सोलर सेल जो होता है ना उसमें उसमें क्या होता है ना, वो सेमी कंडक्टर डिवाइस लगाया जाता है वहाँ पर, उसके पैनल पे इस टाइप का कुछ त्रिशूल जैसा शेप का कर रहता है, वहाँ पे सिलिकॉन लगा होता है, लगाया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में ध्यान तथा धनायन और ऋणायन के कोऑर्डिनेशन संख्या बताना, इसका ये धनायन ये होगा, ऋणायन ये होगा CF2 में, तो ये इस टाइप का आप याद रख सकते हैं इसका ट्रिक कि अगर मान लो अगर A2B टाइप का होगा कंपाउंड तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ए का जो है ए का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं CN, इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 8। ठीक है, अगर ये AB2 टाइप का रहेगा तो आप इसमें ये याद रख सकते हो ए का जो हो जाएगा जिसका कम है इसमें 8 और बी का कितना हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्वेश्चन है CAF2, मतलब इसी टाइप का है CAF2, तो इसमें CA का कितना हो जाएगा 8 और F2 का कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या केटायन है और ये क्या एनायन है, तो धनायन और ऋणायन, तो इस धनायन और ऋणायन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? क्वथनांक का अनुयन होता ही है, हिमांक अवनमन होता ही है, परासरण दाब होता ही है, एक वास्त दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, यहाँ पे खाली वास्त दाब लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नहीं है ये क्वथनांक, ये अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोल जिनमें 60 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है उसका वास्तव में आपेक्षिक अवनमन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो वास्तव का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो वास्तव का आपेक्षिक अवनमन है तो डेल्टा पी बाय पी का जो फॉर्मूला तो वो होता है P0 - PS/P0 इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है ना। तो विलेय के मूल की संख्या बटे विलेय के मूल की संख्या, तो विलेय क्या है 60 ग्राम यूरिया है और क्या कहते हैं 90 ग्राम जल है, तो विलायक है 90 ग्राम जल, तो जल है 90 ग्राम, तो इसका अनुभार क्या होगा? जल का फॉर्मूला है H2O, तो इसका अनुभार कितना होता है? अनुभार होता है 18। और जो हमारा यूरिया है 6 ग्राम, यूरिया कितना है? यूरिया है 6 ग्राम और यूरिया का जो अनुभार होता है, चूँकि फॉर्मूला होता है NH2CONH2 या NH2CONH2, ये होता है यूरिया का, तो यूरिया का अनुभार निकालोगे तो आप कितना आएगा 60 आता है। तो अब मोल्स, मोल क्या है? यूरिया है, मतलब विलेय क्या है? यूरिया और विलेय क्या है? पानी। तो अब यहाँ पर विलेय के मूल की संख्या निकालने, तो विलेय के मूल की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में भार बटे अनुभार, तो विलेय के ग्राम में भार कितना है? 6 बटे अनुभार है 60। विलेय के क्या हो जाएगा? ग्राम में भार कितना? 90 ग्राम और डिवाइड बाय 18, इसको आप डिवाइड करते 6/60 × 18/90, आप इसको कैलकुलेट कर कैंसिल 18 प्लस, ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 1/50, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.02, तो इसका आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन कितना? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंथेनोइड अनुचुंबकीय है? तो इसका हो जाएगा, ये जो लेंथेनोइड अनुचुंबकीय होता है ये हो जाएगा इसका ये सी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक है, इसको यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियम बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 63 होता है, और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो ये हो जाता है जेनॉन, जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 56 होता है, और ये हो जाएगा 4F7 और 6S2। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है? इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय क्या होता है? जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता जो होती है ना, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को ओम इनवर्स को सीमेन इनवर्स
नहीं सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स भी कहते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स भी कहा जाता है, तो याद रखना इसको। निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है, तो रंगहीन घोल वही बनाएगा जिसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता वही रंगहीन बनाता है। तो आप स्कैंडियम का देखोगे तो स्कैंडियम में क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है ना ये खाली हो जाता है, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो इसके वजह से ये क्या होगा, ये रंगहीन बनाता है, कलरलेस बनाता है, कलरलेस होता है, ठीक है। चूंकि स्कैंडियम के 23 एटॉमिक नंबर 21 होता है, आप इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में देखोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल के वो खाली हो जाते हैं, मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। अब ये क्या है, 5% कैन शुगर जिसका अनुभार दे दिया 342 एक्स का 1% घोल के साथ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसके दोनों सॉल्यूशन के परासरण दाब क्या होता है, समान होता है। जब समान होगा तो इसका डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हो कि जब परासरण दाब समान है तो परासरण दाब को सूचित करें अगर पाई से, तो पाई वन इज्कवल टू अगर पाई टू है दोनों घोल का अगर परासरण दाब समान है, पाई वन इज्कवल टू पाई टू, और पाई इज्कवल टू फॉर्मूला क्या होता है सी आर टी, तो सी वन तो यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मोल की संख्या अलग अलग है, लेकिन आर जो है वो गैस कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर भी वही सेम रहेगा, और सी टू आर टी, तो यहाँ से आर टी कैंसिल हो जाता है, यहाँ से फॉर्मूला आएगा सी वन इज्कवल टू सी टू, और सी वन इज्कवल टू फॉर्मूला क्या होता है एन बाई वी इज्कवल टू एन एन वन बाई वी इज्कवल टू एन टू बाई वी वन, मोल की संख्या बाय आयतन। तो अब यहाँ पर दोनों का जो आयतन है ना 5% या प्रतिशत में तो 100 100 है, तो यहाँ पे हम आयतन सेम ले लेंगे, तो एन वन यानी कि एन वन इज्क्वल टू एन टू, मोल की संख्या निकालना, तो मोल की संख्या बराबर के ग्राम में भार बटे अनुभार, तो ग्राम में भार 5 बाय अनुभार कितना है 342, इसका क्या है ग्राम में भार बटे अनुभार, तो 5/342, और इसका ग्राम में भार 1% है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ अनुभार कितना x मान लो, तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x इज्क्वल टू कितना होगा 342/5, आप इसको डिवाइड करोगे तो 68. कितना आता है 68.2 आएगा या 4 आता है, इसका आप निकालो 4 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सी नंबर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं जिनके बराबर होते हैं, आइसोटोनिक में जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके परासरण दाब बराबर होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सम परासरी परासरी बिलियन बोलते हैं हिंदी में, 0.1 mNO3 है ये, BnO3 का घोल का जो वांटम गुणांक है वो 2.74 है, तो विघटन स्तर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है वांटम फैक्टर का, I इज टू आप निकालोगे तो I इज टू एक फॉर्मूला होता है वांटम फैक्टर का, वांटम फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है I इज टू वो होता है 1+N-1 × α, ये क्या होता है अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही विघटन स्तर, विघटन स्तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, और ये N क्या होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड विलियन में कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट उसको बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस N है, आई दिया हुआ वेंट ऑफ गुणांक, ये क्या होता है वेंट ऑफ गुणांक, वेंट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू कितनी है 2.74, आई कितनी है आई की वैल्यू 2.74 इज इक्वल टू 1+, अब विलियन में अब आयन की संख्या निकालना है, तो आयन की संख्या निकालने के लिए कहाँ है ये है ना, तो आप इसको जब ब्रेक करोगे ना तो Ba2+ और NO3 एक माइनस होगा, तो यहाँ पे कितनी आयंस की संख्या हो जाएंगी ये 1 और ये 2, तो टोटल आई मतलब आयन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर रख देना 3-1 × α, तो 2 हो जाएगा, 1 इधर घट जाएगा तो कितना होगा 1.74 इज टू 2α, तो अल्फा इज हो जाएगा 1.74/2, कितना आ जाता है 0.87, अब प्रतिशत में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 87%, तो इसका आंसर हो जाएगा ये परसेंट। 46 में एक जलीय घोल का हिमांक इतना और KF इतना है और KB इतना है, तो जलीय घोल का क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, तो इसका सिंपल एक रिलेशन होता है, अब क्वथनांक का उन्नयन का जो फॉर्मूला आप जानते होंगे ΔTB इज टू होता है KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है, और जो हिमांक अवनमन होता है ΔTF इज टू होता है KF इंटू मोलैलिटी, ये होता है एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और ये होता है क्राइस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या होगा MC मोलैलिटी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ΔTB by ΔTF इज इक्वल टू KB × KF, ठीक है। तो अब यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू क्या है ये घोल का हिमांक दे दिया ΔTF दे दिया कितना 0.8186, ΔTB निकालना है और TF दे दिया 0.186 इज इक्वल टू KB कितना दिया KB दिया 0.512 और KF दे दिया 1.86 इसको उधर ले जाना है, तो यहाँ से हो जाएगा हमें ΔTB निकालना है, ये TB है तो ΔTB मतलब क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.512 × 0.186 / 1.86, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे
यहाँ से पॉइंट उड़ा करके, यहाँ से भी पॉइंट उड़ेगा, ये भी पॉइंट उड़ेगा, तो कितना तीन तीन छः अंक हो जाएगा, ये चार, तो इधर कितना आएगा 10^4। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 512 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/4 0। जब ये करोगे तो कितना आएगा 0.0512, इसका आंसर हो जाएगा 0.512। कौन सा आंसर है? डी नंबर। अगर एन एन घोल पदार्थ के मूल की संख्या और एन गोलक पदार्थ के मूल की संख्या, तो गुण में मूल प्रभाज क्या होता है? मूल की संख्या एन बाय एन प्लस एन, तो इसका तो सीधा यही हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ है? परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, 1 लीटर विलयन उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्य अंकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को ही सामान्यता भी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, ये जो होता है सामान्यता। 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? ग्राम अणु की संख्या मतलब मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 18 ग्राम प्रति लीटर ग्लूकोज विलयन का परिसारक दाब 2.46 वायुमंडल ग्लूकोज का अनुभार निकालना है। तो इसको भी आप निकाल सकते हो, वायु मतलब परासरण दाब दे दिया है ना, और ये 18 ग्राम प्रति लीटर है ना, पर लीटर, लीटर आयतन भी दे दिया, 18 ग्राम दे दिया उस ग्लूकोज का। तो इसका ग्लूकोज का क्या निकालना है? अनुभार निकालना है 27 डिग्री सेल्सियस का। तो ये क्या कहते हैं, परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई वी, मोल की संख्या बाय आयतन, आर टी, पाई इज इक्वल टू। अब यहाँ से हमें एन निकालना है पहले, इसको मोल, अब आयतन कितना 1 लीटर है, पहले हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो पाई वी बाय आर टी, और एन इज क्वेश्चन क्या होता है? मोल की संख्या बराबर क्या, तो ग्राम में भार बटा अनुभार, तो ग्राम में भार तो दिया 18 बाय अनुभार हम निकाल लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो पाई वी, पाई का मान 1 लीटर है आर टी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इज क्वेश्चन क्या होगा 18 × RT डिवाइडेड बाय पाई। आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो आप 18 आर की वैल्यू होती है 0.0821 गैस कांस्टेंट होता है, और टी टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलोगे, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 ऐड करोगे तो कितना होगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 2.46। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 180.0 समथिंग आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 52 निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में P0 - P वास्तव का अपेक्षण किसके बराबर होता है? वास्तव के बराबर होता है, यहाँ पे पी के बराबर, तो यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे के नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं होता, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यूरिया अनुभार, ठीक है ना, यूरिया उसका अनुभार दे का 1 बिलियन है ना, कह रहे कि 1 बिलियन 1100.18 डिग्री सेल्सियस तथा वायुमंडलीय दाब पर उबलता है, यदि के एफ और के बी जल के निक्रम से इतना और इतना हो तो बिलियन कितने ताप पर जमेगा, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप सॉल्व करना, वही एक रिलेशन होता है डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी निकाल करके, 1 मोलर जलीय विलयन की जो विलय का मूल प्रभाज होता है, आप इसका याद रखो 0.118 होता है ना, विलय के 1 मोलल जलीय विलयन में विलय का जो मूल प्रभाज होता है ना, जलीय विलयन में विलय का जो मूल प्रभाज होता है वो कितना होता है 0.18। 1 मोल के आई विलयन की क्षारीय माध्यम में KMnO4 के कितने मोल अपचयित होंगे? 1 मोल होंगे के आई के, KMnO4 के, चूँकि के प्लस होता है MnO, मतलब एक चार्ज है यहाँ पर भी, यहाँ पर एक चार्ज है इसीलिए। अब यहाँ पर क्या, दो दर P और Q के वास्तव दाब क्रमशः इतना और इतना है, P का मोल दे दिया, Q का मोल मिलाकर के करे विलयन का कुल वास्तव दाब है ना, तो ये होता है डाल्टन के आंशिक दाब का एक फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का, आप निकालोगे PT इज इक्वल टू होता है P0A × XA प्लस P0B × XB। आप यहाँ से निकाल सकते हो, P0A मतलब हो गया पहले वाले P, इसका वास्तव दाब तो 80 है, तो यहाँ पे लिख दो 80 ना, मूल प्रभाज किसका? A का, मतलब P का मूल प्रभाज, तो P जिसका मूल प्रभाज निकालना उसका मूल ऊपर नीचे टोटल मूल, तो 3/3 × 5 3/3 × 5 प्लस फिर नेक्स्ट है 60, इसका कितना है 60। अब इसका मूल प्रभाज निकालना 2 का, तो 2/टोटल मास टोटल मूल, तो 2/5। अब इसको ऐड करो 5 16 जाते कितना हो जाएगा 48 प्लस 5 12 जाते ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा टोटल 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 टॉर। 72 हिमांक का अवनमन स्थिरांक है, हिमांक का संतावन के हिमांक का अवनमन स्थिरांक है, कह रहा है कि सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है विवियन, तो ये सभी विलायकों के लिए क्या होता है? स्थिर होता है हिमांक का अवनमन स्थिरांक, ये डिपेंड करता है विलय के, हिमांक का अवनमन स्थिरांक जो है ना, ये वो के एफ होता है ना, वो क्या होता है सभी विलायकों के लिए क्या होता है? फिक्स होता है, के एफ की वैल्यू क्या है? फिक्स होती है सभी विलायकों के लिए। हिमांक के अवनमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारण में किया जाता है? हिमांक है मतलब क्या है? जमना, फ्रीज करना, तो फ्रीज करने के लिए कैसा होगा? द्रव होना चाहिए,
तो अवास्थिल द्रव के लिए होता है। किसी वास्तविक द्रव के अनुभार का निर्धारण किया जा सकता है, इसका जो होता है ना वो विक्टर मेयर विधि के द्वारा होता है। हिमांक के अवनमन, हिमांक के अवनमन तथा क्वथनांक का उन्नयन पर आधारित अनुभार निर्धारण की विधियां इस प्रकार के पदार्थों के लिए उपयुक्त है जो घोल में संघनित है या अवास्तविक अविद्युत विच्छेद होता है। मतलब ये है ना अवास्तविक, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना ये विच्छेदन होता है तो उसी को बोलते हैं, उसी के लिए क्या है उपयुक्त होता है ये क्वथनांक का उन्नयन, अवनमन और उन्नयन दोनों, हिमांक अवनमन और उन्नयन। हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या बोलते हैं, हिमांक के अवनमन में आप देखो क्रायोस्कोप विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी आता है केएफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हिमांक के अवनमन में। उसमें क्वथनांक में क्या होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये होता है क्वथनांक उन्नयन में घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान, घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होगा कम होगा, चूँकि घोलक का जो हिमांक होता है चूँकि वो प्योर है ना, और प्योर सॉल्वेंट जो होता है प्योर सॉल्वेंट का हिमांक का जो मान होता है वो अधिक होता है, और घोल के लिए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि घोल का मतलब उसमें एक अवास्तविक पदार्थ, मतलब उसमें क्या करती है हमने वास्तविक पदार्थ को मिला दिए, मतलब अशुद्धियां मिला दी है ना, तो इसमें क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है उसके जो हिमांक का जो उसका जो अवनमन होता है हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है कम हो जाता है। कह रहे किसी तनु विलयन के क्वथनांक का है ना, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है सांद्रण के क्या होते हैं समानुपाती होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टी भी समानुपाती होते हैं किसके मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है इस चीज़ को मोल की संख्या, अब एक है ना एक के जी विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या होता है, इसीलिए किस पे डिपेंड करता है सांद्रण के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम से डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू ए बाई बी इंटू एम, ये यहाँ जो के बी है ना ये जो के बी है क्या होता है इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं इसको, क्योंकि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वास्तव कम होता है इसीलिए दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वास्तव क्या होता है कम होता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो वास्तव वो तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होगा विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के ऊपर ही उबलेगा, विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के नीचे नहीं, विलयन जो होगा वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक के ऊपर उबलेगा। 65 का भी सभी शुद्ध पदार्थों के हिमांक और क्वथनांक क्या होता है बिंदु जो होता है सभी जितने भी प्योर सॉल्वेंट होते हैं ना उसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एक फिक्स्ड होता है, मतलब फिक्स्ड बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है वो जमता और उबलता है, फ्रीज होता है या फिर बॉयल होता है। यदि द्रव HCl का घनत्व इतना है तो इसकी मोलरता आप निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 32.05, 2.5 लीटर 1 एम 3 लीटर 0.5 NaOH विलयन के मिश्रण की मोलरता होती है, इसका आंसर हो जाएगा 0.73। किसी विलयन का वास्तव दाब होता है, विलयन का वास्तव दाब हमेशा शुद्ध विलायक से क्या होता है कम होता है, शुद्ध विलायक के वास्तव दाब से कम होगा, शुद्ध का ज़्यादा होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर किसके बराबर होता है PPM है ना पार्ट्स पर मिलियन के। तो ये था सेट 2 का सॉल्यूशन, अब सेट 3 का सॉल्यूशन जो मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा, तब तक पढ़ाई करते रहिए।